हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एडमायर ब्यूटी और मैं हूं अंजलि आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक कमाल की और धमाल की वीडियो लेकर आई हूं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है तो फ्रेंड्स जल्दी से मेरे चैनल को आप ही सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे रेड बटन उसे प्रेस करके और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन उसी से सबसे पहले मिलेंगी आपको लेट्स गेट स्टार्ट फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बालों को लंबा करने का एक नया नुस्खा बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा असरदार भी है और आपके बाल तेजी से लंबे होने लगेंगे साथ ही ये आपके बालों की जड़ों को एकदम मजबूत बना देगा और आपके बाल सॉफ्ट सिल्की एंड मजबूत हो जाएंगे जी हाँ ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन इससे पहले मैं शुरू करूँ ये रेमेडी बनाना आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो सबके साथ शेयर भी कीजिएगा तो चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स लंबे बालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तेल अगर आप अपने बालों में तेल की मसाज करेंगे रूट से लेकर टिप्स तक तो आपके बाल लंबे और घने हो ही जाएंगे और इसकी तो गारंटी भी है लेकिन अक्सर हमारे दिमाग में रहता है कि कौन सा ऑयल यूज करें जिससे कि हमारे बाल जल्दी से लंबे हों और कोई हमें प्रॉब्लम भी ना हो तो आज आपकी ये परेशानी मैं सॉल्व करने वाली हूँ एक ऐसा ऑयल आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो आपके बालों के लिए एक मेरकल साबित होगा और इस ऑयल को आप आराम से घर पर बना सकते हैं और इस ऑयल को बनाने में यकीन मानिए कोई ताम मैंने रखा ही नहीं है और ये बहुत आसानी से आप बना लेंगे इस ऑयल को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा वन फोर्थ कप सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल और ये इफेक्टिव ऑयल भी है पहले भी मैं आप लोगों के साथ सरसों के तेल की रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ जिसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिले हैं फ्रेंड्स सरसों के तेल के अंदर होता है ओमेगा थ्री जो की आपके बालों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है और ये आपके बालों को स्वस्थ बनाता है फ्रेंड्स सरसों के तेल में फैटी एसिड होता है जो बालों को नमी देता है और उनका रूखापन दूर करता है सरसों का तेल लगाने से बाल जल्दी बढ़ते हैं और तेजी से ग्रोथ करते हैं इसका एक और फायदा ये है कि ये वक्त से पहले जो बाल सफेद होने लगते हैं उस समस्या से आपको छुटकारा दिला देता है इसके अंदर आपको और भी ऐसी कुछ चीजें मिलानी हैं जो कि आपके बालों को जल्दी से लंबा करने में बहुत ज्यादा सहायक रहेंगी इसे लगाने से बाल घने भी होते हैं और तेजी से ग्रो भी करते हैं और फ्रेंड्स सरसों के तेल में एक ऐसा एंटी होता है जिसका नाम है सेलेनियम और ये एंटी आपके स्कैल्प को पॉल्यूशन से भी बचाने का काम करता है अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे विटामिन ए e का कैप्स्यूल ये आपको किसी भी जर्नरल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर मैं एवियन का विटामिन ई e कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ तो फ्रेंड्स विटामिन ई e हम इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं क्योंकि विटामिन ई e स्कैल्प की कैपिलरी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है जिससे कि होती है आपकी हेयर ग्रोथ ये बालों को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है उनका बीच से टूट जाना कम करता है और आपकी जो समस्या होती है दो मुंहें बालों की उसे भी ये ख़त्म करने में आपके काम आएगा इसके अंदर के एंटीऑक्सीडेंट्स बालों का लचीलापन यानी कि इलास्टिसिटी बढ़ाकर उनमें एक बहुत अच्छी सी शाइन लाते हैं तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक विटामिन ई e कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ इसका ऑयल हम इसको इस करके सरसों के तेल में डाल देंगे अब इसके अंदर ऐड करना है एक चम्मच बादाम का तेल फ्रेंड्स बादाम का तेल आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर भी विटामिन ई e होता है जो कि स्किन और बालों को दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है इससे आपके बाल मजबूत होते हैं और जल्दी बढ़ने में इससे हेल्प मिलती है साथ ही ये बालों को काला और घना बनाने के लिए भी आपकी हेल्प करेगा नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ फ्लैक्स सीड्स ऑयल फ्रेंड्स अगर आपके पास फ्लैक्स सीड ऑयल नहीं भी है तो आप फ्लैक्स सीड का जेल इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं आपको कैसे बनाना है फ्लैक्स सीड का जेल उसकी वीडियो मैं इससे पहले शेयर कर चुकी हूँ उसमें मैंने फ्लैक्स सीड जेल से बहुत अच्छी सी रेमेडी बनाई है तो वो जेल आप निकाल कर एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं और उससे अलग अलग रेमेडीज बनाकर ट्राई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स फ्लैक्स सीड ऑयल भी मैं यहाँ एक चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ ये सीड ऑयल यानी कि अलसी के बीजों का तेल आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा उनको तेजी से बढ़ने में हेल्प करेगा और साथ ही ये आपके बालों में भी बहुत अच्छे से चमक लाएगा उनकी जड़ें मजबूत करेगा और आपके बाल रूट से टिप्स तक काफ़ी अच्छे हो जाएंगे अब हम इन सारे ऑयल्स को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स आप चाहें तो थोड़ा सा गुनगुना करके भी इस ऑयल को लगा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको डबल बॉयलर प्रोसेस यूज करना होगा वो कौन सा प्रोसेस होता है मेरी काफी वीडियोस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हैं तो बात करें अगर हम इस रेमेडी की तो फ्रेंड्स इस ऑयल को यूज करने से आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी उन्हें पूरा पोषण मिलेगा जी हाँ फ्रेंड्स इसके कारण आपके बाल दो गुना तेजी से लंबे होंगे और आपके बाल काले और घने भी हो जाएंगे इसका बेस्ट बेनिफिट ये है कि आपके बाल असमय सफ़ेद होने की जो समस्या है वो वजह खत्म हो जाएगी अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो वो वापस काले और घने हो जाएंगे फ्रेंड्स विटामिन ई इस रेमेडी में मिलाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ये आपके बालों को लंबा कर देता है मजबूत और रेशमी यानी कि सॉफ्ट एंड सिल्की बनाता है इस ऑयल को लगाने के बाद आपके बाल बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हैं तो ये ऑयल बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है इसे बस आपको अच्छे से मिक्स करना है और ये ऑयल आपके बालों को घना और मज़बूत करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित होगा क्योंकि ये बालों को बहुत मजबूत बनाता है अगर आपके बाल झड़ चुके हैं या सफ़ेद हो चुके हैं तो ये तेल आपके लिए किसी मैजिकल रेमेडी से कम नहीं है इसका आप हफ्ते में चार बार कम से कम इस्तेमाल करें तो आपके बाल काले होंगे रीग्रोथ होगी उनकी और सॉफ्ट एंड सिल्की भी हो जाएंगे इस ऑयल को आपको कैसे इस्तेमाल करना है तो फ्रेंड्स इसे आपको बालों की जड़ों में लगाकर अच्छे से मसाज करनी है बेस्ट रिजल्ट के लिए रात को अपने बालों में इसे लगाएं और अगले दिन किसी माइल्ड या हर्बल शैम्पू से आपको अपना हेयर वॉश कर लेना है इस ऑयल के बेनिफिट क्या है तो फ्रेंड्स इस ऑयल को लगाने से आपके बालों को सारा पोषण मिलता है बहुत ज्यादा फायदा मिलता है आपके बालों को और आपके बाल घने लंबे और खूबसूरत हो जाते हैं आपके बालों के लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप ये ऑयल रात को सोते वक्त लगाएं, यानी कि रात को पहले आप इसे से दस मिनट के लिए अपने हेयर एंड स्कैल्प पर मसाज करें मसाज करने से यह भी फायदा होगा कि आपको बहुत ही अच्छी सी नींद आएगी और मॉर्निंग में जब आप इसे वॉश कर लेंगे तब आप अपने बालों में एकदम से चमक और काफी सॉफ्टनेस महसूस करेंगे क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है तो आपको इस रेमेडी को जरूर यूज करना है तो सरसों के तेल में इन चीजों को मिलाकर आप बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट अपने बालों पर पा सकते हैं और सो so, वीडियो अगर पसंद आई है आप लोगों को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना वीडियो को और मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए अब मैं आप लोगों से मिलूंगी एक और यूजफुल वीडियो के साथ टिल देन बाय